राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं आज मशहूर लेखक फारूक ढोंडी। फारूक ढोंडी 1944 में पूना में जन्मे फारूक ढोंडी पेशे से लेखक, नाटककार और पटकथा लेखक हैं। भारत में पैदा हुए फारूक ढोंडी आज ब्रिटेन में रहते हैं। फारूक ढोंडी की स्कूली शिक्षा बिशप स्कूल पूना से हुई। मुंबई में पले फारूक ढोंडी के पिता एक आर्मी अफसर थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पूना यूनिवर्सिटी से फारूक ढोंडी ने बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो लेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री के लिए इंग्लैंड चले गए। उनकी लिखी हुई कई किताबों में से पहली ही लघु कहानी संग्रह ईस्ट एंड एट योर फीट में उन्होंने उस दौर में लंदन में रह रहे अश्वेत किशोर युवा मन की उलझनों और चिंताओं को शानदार ढंग से पेश किया। जाने माने लेखक और स्तंभकार फारूक ढोंडी बरसों तक बीबीसी चैनल 4 के कमिश्निंग एडिटर भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है फारूक साहब। थैंक यू। और तो हमको बताइए कि अब करीब आधी सदी से ज़्यादा का वक्त हो गया जब आप इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड पहुंचने का की वजह क्या रही होगी, और क्या आप चाहते थे कि लेखक ही बने? मैंने पढ़ाई जब ख़त्म की पुणे में, स्कूल और कॉलेज के दिनों वहाँ काटे थे, और मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया था। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे, तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए गया था। और मेरा इरादा था वहाँ कि 3-4 साल वहाँ काट के यूनिवर्सिटी में फिर वापस आ जाए हिंदुस्तान। लेकिन ऐसा हुआ कि पता नहीं, कोई नसीब वैसे थे कि वहाँ रह गया मैं। तो पूना में जहाँ आपका बचपन गुजर रहा था, तो पूना में कैसा माहौल था? क्या उस माहौल में ही कहीं कुछ ऐसा था जिसमें आपको लिखने की तरफ आने का ये आपने सोचा, लिखने के बारे में आपने सोचा? पूना, मैं पारसी जरदोश्ती हूँ, तो मेरी पैदाइश पूना में हुई थी, मेरी माँ के घर में, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे फौज में, तो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। जहाँ ट्रांसफ़र होता था, जहाँ मिलिट्री उनको भेजते थे, वहाँ जाते थे। तो वैसा एक घर नहीं था उनका, तो मेरी पैदाइश और मेरी बहन की पैदाइश भी वहाँ पुणे में हुई थी, और मैं मेरे नाना के घर रहा था। और बचपन मद्रास, कोचिन, और बाद में 8 साल के बाद पुणे में हमको आके बसाया, क्योंकि एक ही पाठशाला में हमारी पढ़ाई हो चुके। तो मेरी मौसी के साथ मैं रहा था, एक जैसे छोटा सा मोहल्ला था, कोई बड़ा घर नहीं था वैसा। मेरा कमरा भी था तो एक वरांडा पे था, और जहाँ मेरा एक पलंग, एक टेबल पढ़ाई के लिए, एक कबर्ड जिसमें मेरे कपड़े थे, जहाँ मेरी किताब कपड़े सारे एक ही कबर्ड में रहते थे, और वरांडा खुला था आसमान से, और बारिश होती थी तो मैं अंदर आ जाता था, बहन के कमरे में रहता था। वैसा घर था हमारा, और मोहल्ला था, मिक्स्ड मोहल्ला था, खास करके पारसियाँ रहते थे, लेकिन सिंधी थे, सरदारजी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सारे थे वहीं मोहल्ले में, और सारे के साथ मिलजुल के रहते थे और दोस्ती बनाई। और उसके बारे में मैंने एक किताब भी लिखी है, पूना कंपनी करके। उस आप सोचिए कि उस ज़माने में जो हम किताबें पढ़ते थे वो खास करके अंग्रेज़ी नाम से लिखवा जाते थे, और डिकन्स का नाम सुना था, शेक्सपियर का नाम सुना था, और जो मॉडर्न राइटर्स थे वो रीडर्स डाइजेस्ट में आते थे। मेरी मौसी वो मैगज़ीन खरीदते थे हर महीने, और ये हमें ये नहीं लगा कि इंडियन राइटर लिख सकते हैं। नेहरू जी, गांधी, महात्मा जी, उन लोग ने जो किताबें लिखी थी वो घर में थे, लेकिन ये मुझे ये नहीं ख्याल था कि मैं भी मेरा नाम भी कवर पे आ जाए कब।
उस वक्त कुछ लिखने का इरादा नहीं था। कवर में तो नाम फिर खैर आया ही, उसके बाद तो नाम ही नहीं बल्कि आप छा गए। ये तो लंबी चौड़ी बात है। मैंने उस वक्त कॉलेज में दो साल के बाद इंटर साइंस करते थे और मेरा नेचर था कि मैं आर्ट्स में जाऊं, लेकिन मेरे वालिद साहब और मेरे मामा जी सारे मुझे कहते नहीं नहीं तू इंजीनियरिंग कर, या एक शब्द था वहाँ स्कोप, जिसमें स्कोप हो वो काम करो। और मैं मेरे फादर को मैं अगर कहूँ कि मैं लेखक होने चाहता हूँ तो मुझे थप्पड़ पड़ते थे कि ये क्या है, ये तो नाटक है, ये आदमी की बिजनेस नहीं है, ये सोल्जर बनो, सेलर बनो, लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये लेखक क्या चीज़ है। तो मेरा मुंह बंद रहा, इसलिए क्योंकि जो किताबें पढ़ता था मैंने सोचा कि मैं भी कहानी लिख सकता हूँ, मैं अपने बारे में कहानी लिख सकता हूँ, अपनी इलाके के बारे में कहानी, जो लोग मिलते थे उनके बारे में कहानी लिख सकता। और मैंने अंदर अंदर रखा ये ख्यालें। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया मैं, एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं इंटर साइंस में फर्स्ट, मेरा नंबर फर्स्ट पहला आ गया, तो मुझे दाखिल की उस डिपार्टमेंट में। मुश्किल थी उस एंट्री उसकी, लेकिन मैं अंदर घुसा और केमिकल स्टडीज़ शुरू की। इतना बोर हो गया मैं कि मैं सिर्फ शतरंज खेलता था कैंटीन में दूसरे लोगों के साथ पूरा दिन, और फिर घर जाता था, वापस आके लेक्चर छोड़ के शतरंज चेस खेलते रहा और किताबें पढ़ते रहा। और उस किताबों पढ़ते हुए एक जो सड़कों से मैंने एक किताब उठाई थी, चार किताब थी एक लेखक की, लॉरेंस डरल करके, अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट, अंग्रेजी नॉवेल्स थी, और वो इजिप्ट में सेट हुई थी। और मैंने सोचा कि ये आदमी इजिप्ट के बारे में लिख सकता, कि मैं बम्बई बूढ़ा के बारे में क्यों नहीं लिख सकूं। तो उस वक्त से मेरा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं लेखक हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सका मैं। तो वो केमिकल छोड़ के मैं वापस पुणे गया और फिजिक्स सीखने लगा। फिजिक्स में भी मेरा दिल था वैसे सीखने, साइंस सीखने, और मेरा मन भी साइंस पे लगा था। और रिलीजन, ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म या इस्लाम या हिंदुज़म या कुछ भी फेथ के खिलाफ था मैं उस वक्त बचपन में। और साइंस करते हुए स्कॉलरशिप मिली तो मैं चला गया कैम्ब्रिज। वहाँ यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हुए मुझे मौका मिला वापस आने और इंदिरा गांधी के लिए एटम बॉम्ब बनाने के लिए। उन लोगों ने मुझे लेटर भेजा था एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कि आप आके ज्वाइन हो जाओ और कुछ न कुछ नौकरी करो यहाँ। तो मैंने सोचा था उस वक्त मैं थोड़ा सोशलिस्ट माइंडेड था और मैंने ये सोचा कि मैं बॉम्ब बनाने के धंधे में नहीं प्राप्त होना चाहता, दाखिल होने चाहता हूँ। तो वो छोड़ के मैं लंदन रह गया और छोटे मोटे काम करते रहा। ये छोटे मोटे काम धंधे आपने कहा, ये क्या थे? छोटे मोटे काम किसी मेम साहबों के कुत्ते को वॉक पे ले जाना और उनको दो घंटे के बाद घुमा के पार्क में घुमा के वापस लाना, उसके लिए कुछ ना कुछ मिलता था। या हूवर करो, झाड़ू मारो, या रेस्टोरेंट के किचन में डिशेस धोना, यू नो। तो वो धुलाई शुलाई करता था। और बाद में मुझे एक नौकरी मिली
जैसे हिटलर को मिली थी घर को पेंट करना, तो घर पे रंग लगाने का धंधा सीख लिया मैंने। बाद में मैंने टैक्सी भी चलाई थी, क्योंकि ड्राइविंग का लाइसेंस था मेरे पास, तो टैक्सी भी चलाई थी। और फिर एक दोस्त ने मुझे कहा, यार ने मुझे कहा कि यार तू, तेरे पास दो डिग्री है, अंग्रेज डिग्री है, एक तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, दूसरी लेस्टर यूनिवर्सिटी से, तो तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ? तो बोला इनर लंदन एजुकेशन अथॉरिटी, जो स्कूल के जो गवर्नर थे उनके पास जाओ, वो तो ज़रूर तुझे लेंगे, वो किसी को भी लेते हैं। तो मैं गया, उन लोग बिल्कुल उसी दिन कहते, अरे आपके पास डिग्री है, चलिए आपको विद्यार्थी के सामने खड़े कर देते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश अंग्रेजी स्कूल कैसी चलती, क्या होता है वहाँ, लेकिन मुझे अंदर घुसा दिया और मैं टीचर बन गया। 8 साल के लिए मैंने वो पढ़ाई की स्कूल में, बहुत मज़ा आ गया। क्या पढ़ाते थे? अंग्रेज़ी पढ़ाता था और ये भी अजब था कि अंग्रेज़ी लड़कों को एक इंडियन अंग्रेज़ी पढ़ाता, लेकिन अच्छा था, लड़के अच्छे थे, उनके माँ बाप बहुत मिलजुल के रहते थे हमारे साथ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं पॉपुलर था स्कूल में टीचर के रूप में। और 8-9 साल मज़े से काटे। उस वक्त में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुआ था, वो पार्टी थी ब्लैक पैंथर मूवमेंट। और ब्लैक पैंथर मूवमेंट में क्या था कि जो अफ्रीकन्स थे, वेस्ट इंडियन थे, जो जमैका ट्रिनिडाद से आते थे, और इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, और उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, लेकिन जो पाकिस्तान इंडियंस थे, सारे मिलके एक प्रोटेस्ट मूवमेंट, प्रोटेस्ट पार्टी शुरू की थी। क्योंकि उस वक्त जो इंडियंस थे वहाँ मेहनत करते थे, जो वेस्ट इंडियन थे वो बस चलाते थे, सड़कों पे झाड़ू लगाते थे, वैसे लोग थे, उनको एम्प्लॉयमेंट की कोई, जैसे यहाँ दलित को हुआ था वैसे वहाँ होता था वहाँ इमिग्रेंट को जो बाहर से आए थे। तो हम लोग की एक, आप मानिए, हम लोग दलित की पार्टी शुरू की वहाँ, और उसमें उसका एक अखबार चलता था, पेपर चलता था। तो उस पेपर में हमारे लीडरों ने कहा कि आप जो काम करते उसके बारे में न्यूज़ लिखिए। तो मैं हर वक्त, हर हफ्ते एक छोटी सी स्टोरी लिखता था कि ये मेरे स्कूल में ये हुआ था, किसी ने कोई पेन चोरी की तो काली लड़की को पकड़ा कि तूने किया होगा, और फिर निकला कि ये जो सफ़ेद लड़की ने छुपा दी पेन, या कुछ ना कुछ स्टोरी। तो मैं निकालता था ऐसे ही कहानियाँ, दस्तखत नहीं करते थे हम, ऐसे ही कहानियाँ लिख के अनोनिमस लिखते थे, जिस बेनामी। और 6 महीने के बाद एक आदमी आ गया मेरे स्कूल में, एक सूट वूट पहनते हुए, गाड़ी से चलाते हुए, और मेरा नाम लिया, कहता है कि मिस्टर धोंडी कहाँ हैं? तो बच्चों ने कहा कि वो स्टाफ रूम में बैठा हुआ, स्कूल तो खत्म है, 4 बजे थे, वो स्टाफ रूम में। वो पहुँच गया, दरवाज़ा ठुकराया और कहता है कि आप फरूख धोंडी हो? मैंने कहा आप पुलिस से हो या कहाँ से हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी है। तो मैंने पूछा उनको, ये तो बेनामी कहानी, आपको कैसे मालूम कि मैंने लिखी थी? सर, जो आदमी, जो आपका मेंबर पेपर बेच रहा था, उसने मुझे कहा कि ये फारूक धोंडी की कहानियाँ हैं। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, आइए कॉफ़ी पिए। तो कहता है मुझे कि ये इकट्ठा करके मैं पब्लिशर के पास से आया हूँ, मैकमिलन पब्लिशर, बहुत बड़ा पब्लिशर, मैं इनको इकट्ठा करके एक किताब बनाऊँ। मैंने कहा ये तो छोटी मोटी कहानियाँ हैं,
आपको किताब चाहिए तो मैं किताब लिख सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आपको 200 पाउंड दे रहा हूँ उस वक्त। तो मैंने कहा 200 पाउंड मैंने तो देखा ही नहीं। तो खुश हो गया, कहा कि 3 महीने में मैं आपको 10 कहानी देता हूँ, तो उसमें से आप किताब बनाइए, आप किस तरह की कहानी चाहते हैं। तो उसने कहा कि जो आप लिख रहे हैं वही चाहता हूँ मैं, कि ये लड़कों बच्चों के बारे में जो नए आए हैं, जिनके माँ बाप जमैका से या पाकिस्तान से या इंडिया से आए हैं, उस बच्चों के बारे में कुछ कहानी लिखेंगे तो बहुत लोग पढ़ेंगे, सारी स्कूल में जाएगी। तो मैंने लिख के दे दिया उनको। एक किताब लिखने से दूसरी किताब मांगने लगे, दूसरी लिखी, तीसरी किताब मांगने लगे, तो तीसरी किताब कहानियों की लिखी, तीन किताबें चली। तो मैंने वो ये तीसरी किताब उसके बारे में थी, ये मारपीट के बारे में, उसको बंद करने कैसे आ गया, लोग पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर में आते रहा, थोड़ा सा नाम फैला गया। तो मैंने कहा अभी पढ़ाई छोड़ दूँ और मैं फुल टाइम लेखक बन लूँ। 6 महीने के लिए कुछ हुआ नहीं, कुछ नई किताब न निकली न कुछ हुआ। तो मैंने टैक्सी चलाना शुरू किया। टैक्सी चलाने से, इंग्लैंड में मुश्किल होती है टैक्सी चलाने, क्योंकि रात रात को चलाने पड़ती। अब 12-1 बजे कोई एक दो जो पिया होगा उसको घर ले जाओ, वो किराया नहीं देते, लाफा मार के भाग जाते हैं और कुछ कर नहीं सकते। पुलिस के पास जा सकते, पुलिस के पास क्या 6 घंटा बैठा, आपका नौकरी जाते गया, तो कमानी नहीं होती ना वैसे। तो मैंने जो टैक्सी वाला था उसको कहा यार मैं छोड़ देता हूँ, मैं टैक्सी नहीं चला सकता। एक दो तीन चार हफ्ते किया, बाद में मार खाया, पैसे नहीं थे, बोला ये नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा एक काम है तेरे लिए, तू ये तेरी गाड़ी बेच दे और एक वैन खरीदे। तो आप क्या बोलते हो उसको, ठेला छोटा सा, तो मैंने वही किया। और ठेले में 2 बजे रात को एक होलसेल बाज़ार में जाते थे, और बाज़ार में प्याज की बोरियां जमा करते थे वहाँ, 50-60-70 बोरी लगा के पूरे शहर में लंदन घूमते थे, और 2-4-6-10 बोरी इंडियन रेस्टोरेंट्स के बाहर दरवाजे पे रखने का काम था। तो उस धंधे में कुछ न कुछ गुजारा हो गया। वो होते एक आदमी आया, एक लेटर आया मुझे, टेलीफोन आया कि आपने ये किताबें लिखी है और BBC उस किताब से ड्रामा बनाने, नाटक बनाने चाहते हैं जी, जी। तो फिर नसीब खुल गए मेरे, बस बात बन गई। मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी स्टोरीज है उनके नाटक बनाते हैं, तो आप बर्मिंघम आके रह जाओ 6 महीने और इनकी कहानियाँ ये सीरीज बनाते। तो पूरी सीरीज बन गई मेरे स्टोरीज से, तो उस वक्त कमानी हो गई, तो मैं प्रोफेशनल राइटर बन गया बिल्कुल। तो और फिर आगे चलते चलते कई और किताबें लिखी और ड्रामा लिखी और टेलीविज़न लिखा। जब नाम पकड़ लेते उन लोग तो छोड़ते नहीं फिर। और सब बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने लेखक फारूक ढोंडी के साथ। आप जानते हैं टेलीविजन स्टेशन में आप कुछ भी बॉस बन जाओ तो काम तो चलते रहता, यू नो, तो 2-3 बजे रात को उठ कर जाना पड़ता था। इंदिरा गांधी की मौत हो गई, आप आ जाइए स्टूडियो में अभी 5 बजे सुबह। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, आप हैं फारूक ढोंडी के साथ जो कि एक जाने माने लेखक हैं और BBC चैनल 4 के कमिश्निंग एडिटर रह चुके हैं। आपने कहा कि BBC के 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप बर्मिंघम आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप कंटिन्यू
रह गए वहाँ, क्योंकि जब आप एक चीज़ लिखते हैं टेलीविजन के लिए तो दूसरे लोग आते हैं आपके पीछे कि आपने अभी रामायण कर दिया, अभी महाभारत कर दो, वैसे तो करते रहा मैं। और उसके बाद करते करते बहुत से लिखा, 6-7-8-10 सीरीज बीबीसी के लिए, और फिर चैनल 4 की पैदाइश हुई। चैनल 4 एक नई चीज़ थी, गवर्नमेंट ने ये सोचा 1980 में सोचा कि कई लोग हैं जो टेलीविज़न पे, बीबीसी टेलीविज़न पे या कमर्शियल चैनल पे नहीं आते हैं, जिनकी ज़िंदगी वहाँ रिप्रेजेंट नहीं होती, वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है। तो चैनल 4 को कहा गया कि हम चैनल शुरू करें तो पहले तो एथनिक माइनॉरिटीज़ यानि हिंदुस्तानियाँ जब रहते हैं, पाकिस्तानियाँ, वेस्ट इंडियन, अफ्रीकन जो रहते हैं, चाइनीज़ जो रहते हैं इंग्लैंड में, उनके बारे में टेलीविज़न प्रोग्राम बनाइए, और जो स्पोर्ट्स है जैसे वॉलीबॉल, उनको आप पॉपुलर बनाइए टेलीविज़न पे दिखाने से। और वो वॉलीबॉल छोड़ के कबड्डी की सीरीज़ भी की थी हमने, तो कबड्डी की सीरीज़ की थी, वॉलीबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, ये सब स्पोर्ट्स थे। और अपनी मेरी जो मुझे नौकरी दी थी, लिखना छोड़ के आप, मुझे कहा गया कि आप चीफ बन जाइए चैनल 4 के, कमीशनिंग एडिटर, और उससे उनके पैसे लेके कोई फिल्म बनाइए, कोई ये करिए, कोई, तो वो प्रोग्राम बनाने लगा। 14 साल में वहाँ रहा। 14 साल एक चैनल में, यानी बीबीसी चैनल 4 जैसी जगह पर एज अ कमिश्निंग एडिटर काम करते हुए आपने क्या पाया, मतलब क्या यार्डस्टिक्स क्या होती होंगी जिससे आप कोई प्रोग्राम कमीशन करते रहे होंगे? चैनल 4 बीबीसी से अलग थी, तो बीबीसी ने नहीं चलाई थी, हम बीबीसी के खिलाफ थे। तो बीबीसी छोड़ के चैनल 4 गवर्नमेंट चैनल थी, गवर्नमेंट चैनल यानी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था उसमें, सिर्फ पैसे जो आए थे वो पहले इंडिपेंडेंट चैनल से चलाए थे, और बाद में उन लोग ने एक ट्रस्ट बनाया, न कोई प्रॉफिट करता था इसे, वो पैसे नहीं, पैसे के लिए नहीं करते थे, सिर्फ जो प्रोग्रामिंग का ये रूल्स थे उससे चलाते थे। तो मुझे रिक्रूट किया उसमें, मैं गया और पहले मुझे पूछा कि आप करेंगे क्या, तो मैंने कहा कि यार टेलीविज़न जो है वो देश की पहली गुफ्तगू है, एक दूसरों के साथ मिल के रहना और एक दूसरों के बारे में समझना, वो टेलीविज़न से होता है। ऐसे नहीं कि मैं आपके घर में घुस जाऊं, लेकिन मेरे आपका कैमरा मेरे घर में घुस सकता है और आप देख सकते हैं कि हम मेरी ज़िंदगी कैसी चलती है, मेरी हंसी कैसी है, मेरा रोना कैसा है, ट्रेजेडी कैसी है, कॉमेडी कैसी है, यू नो मैं किस चीज़ पर हंसता हूँ, मैं रहता वो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो अब तक जो टेलीविज़न है जिसमें इंडियंस या वेस्ट इंडियंस आते हैं, वो तो कंप्लेंट की चीज़ है कि आप कुछ शिकवा करो, यू नो। और मैंने कहा कि ये शिकवा का वक्त चला गया, अभी हम ये दिखाते कि हम इंग्लैंड की ज़िंदगी में दाखिल है, हम शामिल है उसमें, तो ये दिखाएं कि हंसने की बात, रोने की बात सब साथ में है, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हमारे बारे में, आप समझे ना? जी जी। आपने कई फिल्मों का नाम सुना होगा, यहाँ सलाम बॉम्बे, मिसेस बी मसाला, बैंडिट क्वीन, जिन्ना बनाते रहे। एक कमिश्निंग एडिटर जब किसी प्रोग्राम को या किसी टेलीविज़न सीरीज़ को कमीशन करता है या किसी फिल्म को, तो क्या क्राइटेरिया होता है? और बीबीसी चैनल 4 में रहते हुए, इतने लंबे समय तक रहते हुए, आपका क्या क्राइटेरिया था? मुझे ये लगा कि चलो मेरे पास बजट में इतने पैसे हैं फिल्म के लिए, तो फिल्म से मैं क्या बनाऊँ, बॉलीवुड फिल्म तो बॉलीवुड बनाएंगे, हॉलीवुड फिल्म हॉलीवुड बनाएंगे,
ब्रिटिश फिल्म ब्रिटिश बनाएंगे, मैं कुछ और करूं, कुछ ऐसी चीज़ करूं जो बॉलीवुड नहीं बना पाएगा। तो जब मीरा नायर मेरे पास आई और कहती है कि मुझे सलाम बॉम्बे बनाना है, तो मैंने कहा कि क्या स्क्रिप्ट क्या है, क्या है कहानी क्या है। तो देखते हुए ये तो यकीन हुआ कि वो कोई बॉलीवुड प्रोड्यूसर के पास जाएगी इस स्क्रिप्ट के साथ, वो नहीं बनाएंगे जी। वो कहेंगे हीरो कहाँ है, शाहरुख खान कहाँ है, आमिर खान कहाँ है, सलमान खान कहाँ है, यू नो ये कोई डिप्रेसिंग स्टोरी है। तो मैंने कहा वैसी फिल्म हम बना सकते जो बॉलीवुड नहीं बना सकते, तो उस क्राइटेरिया से हम आगे चले। जो प्रोग्रामिंग था वो मेरे हाथ में था, आप लॉस करो गेन करो प्रॉफिट करो उसके बारे में कोई किसी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। 14 साल में रहा, एक सवाल नहीं पूछा कि इसकी TPR TRP क्या है या इसको कितने पैसे बने। लेकिन हुआ क्या कि सलाम बॉम्बे गए थे कैन में और कैन फिल्म फेस्टिवल में इनाम जीते थे, तो पहली फिल्म के लिए मीरा को इनाम मिल गया, बहुत बड़ा इनाम था, मशहूर हो गया, उसको नॉमिनेशन मिल गया ऑस्कर के लिए। बैंडिट क्वीन को भी वही हुआ था, इनाम गिरा कैन में। तो वैसे चलते रहा, तो मेरे बॉसेस ने देखा कि ये तो चलाता है, चलना नहीं तो इतना लंबा समय, इतना लंबा अरसा BBC चैनल 4 के लिए कमिश्निंग एडिटर रहते हुए जब आपने पूरा किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कब तक ये करते रहूँगा, कब तक ब्यूरोक्रेट रहूँगा, मुझे प्रमोशन तो नहीं चाहिए, मैं BBC का हेड होने वाला नहीं जी। और मेरा मन उस 14 साल में मेरा लेखन डाउन हो गया, कर नहीं सका, क्योंकि खुद के लिए न लिख सकता था, कभी कभी लिख लेता था जैसे बैंडिट क्वीन, क्योंकि पैसे नहीं लिए उसके लिए ऐसे ही लिखा। मैं खुद को पैसे नहीं दे सकता था और दूसरे चैनल के लिए नहीं लिख सकता था, क्योंकि वो अपने दुश्मनी थी, राइवलरी थी, और किताबों लिखने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो 24 घंटे आप जानते हैं टेलीविजन स्टेशन में आप कुछ भी बॉस बन जाओ तो काम तो चलते रहता, यू नो कोई टाइम नहीं मिला लिखने के लिए। तो मैंने 14 साल के बाद सोचा कि अभी मैं छोड़ दूँ, वापस लेखक बन जाऊँ, तो वही किया मैंने, छोड़ के सलाम करके थैंक यू और लिखना शुरू कर दिया। और साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू। ये थे जाने माने लेखक फारूक ढोंडी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।